नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। अब खबरें विस्तार से। साइलेंट के राजदूत डॉक्टर परविंदर सिंह का राजा अयोध्या ने स्वागत किया है। इस पर प्रेस क्लब अध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी ने थाईलैंड के राजदूत को रामनवमी चिन्ह भेंट कर स्वागत किया, साथ ही उन्हें रामलला का दर्शन करवाया। वहीं थाईलैंड के राजदूत डॉक्टर परविंदर सिंह ने कहा है कि रामलला का दर्शन पूजन कर उनका जीवन धन्य हो गया है। तो वहीं विदेशी मेहमानों अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने से मुलाकात कर अयोध्या में भूमि विकास गृह स्थान बाजार योजना के अंतर्गत भूखंड आवंटित करने के लिए 5 एकड़ भूमि के लिए मांग पत्र सौंपा। यूनाइटेड नेशन की तरफ से और वट थाई बोधगया के बिहाफ के ऊपर हमारे जो रिलीजियस एम्बेसडर हैं प्रत बोथीबोंग, जो एम्बेसडर हैं दो कंट्रीज के, नेपाल एंड इंडिया के, उनकी तरफ से इधर आए थे। और हमने अयोध्या में आवास परियोजना के तहत जो इन्होंने लैंड डेवलपमेंट का किया है, ओपी पांडे जी से मिले। बहुत ही अच्छा हमारा इनके साथ मीटिंग हुआ और हमने इनको मांग पत्र भी दिया है कि हमको कम से कम 5 हेक्टर ज़मीन अक्वायर की जाए ताकि हम इधर थाई कल्चर सेंटर खोला जा सके और थाई टेंपल खोलें, जिसमें से दोनों देशों का सांस्कृतिक तौर पे और जो आदान प्रदान होगा और इनकी आपस में रिलेशनशिप बहुत बढ़ेगा। इंडिया और थाईलैंड का, इंडिया और थाईलैंड का रिलेशनशिप तो बहुत पुराना है, क्योंकि इनके चारों धाम थाई वाले जो मानते हैं चारों धाम इंडिया में हैं, बुद्धिस्ट टेंपल इंडिया में हैं, तो वो हमेशा आते। तो हमारा क्या प्रयास है कि अगर ये आवास योजना के अधीन हमको 5 हेक्टर का कुछ प्रॉपर्टी देते हैं तो हम इधर एक किंग रामा 5 के नाम पर स्कूल और हॉस्पिटल साथ में थाई कल्चर सेंटर खोलेंगे और थाई टेम्पल खोलेंगे और उसके बिहाफ के ऊपर हर रोज कम से कम 3 फ्लाइटें उतरेंगी, जो पहले एक दिन भगवान राम को नमस्कार करके, भगवान हनुमान जी को नमस्कार करके अपने चार धामों की यात्रा पे जा सकेंगे। इसमें से दोनों देशों का धार्मिक रुचि और भी ज़्यादा गठित होगी और दोनों देशों का व्यापार में भी बहुत सहयोग मिलेगा। आज माननीय परविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं और इन्होंने थाई कंट्री के लिए कुछ प्लाट्स हमसे चाहे हैं, तो हमारे पास इस समय 10,000 स्क्वायर मीटर तक के भूखंड हैं। मैंने आपको आग्रह किया है कि आप उसमें से कोई प्लाट ले सकते हैं। हमारी योजना ग्रीनफील्ड टाउनशिप 1407 एकड़ के लिए बनाई गई है, जिसमें हमने इंटरनेशनल भवन, स्टेट भवन, होटल्स, मठ, आश्रम सभी के लिए भूखंड चिन्हित कर रखे हैं। उसमें से हमारा प्रयास होगा कि आप द्वारा की गई मांग 5 एकड़ के भूखंड के लिए हम प्रयास करेंगे कि आपको मिले। फिलहाल अभी हमारे पास 10,000 स्क्वायर मीटर का भूखंड है जिसके लिए हमने आपको प्रस्ताव दिया है और बड़े भूखंड के लिए भी हम अपने मुख्यालय से अनुरोध करेंगे कि आपको। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए मुंबई से पैदल चली शबनम शेख 38 दिन का सफर कर आज उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद पहुंची। भगवान रामलला के दर्शन की अभिलाषी सनातनी मुस्लिम महिला शबनम शेख मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा कर रही है। पिछले 38 दिनों की लगातार पैदल यात्रा करने के बाद आज शबनम शेख अमेठी जनपद के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मगोली गांव के पास पहुंची, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शबनम से बुरखा पहनकर अयोध्या जाने पर अमर्यादित व्यवहार करते हुए विरोध जताया। तो वही अमेठी जनपद के रानीगंज में शबनम शेख का राम भक्तों ने जोरदार स्वागत किया। शबनम जी, आप मुंबई से अयोध्या जा रही हैं पैदल, ऐसे में सनातन धर्म से क्या आस्था रखती हैं और क्या आपके दिमाग में आया कि अयोध्या रामलला के दर्शन करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख, मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए। आज मुझे टोटल हो चुके हैं 38 डेज और राम जी के प्रति जो आस्था है ये अभी अभी उमड़ी नहीं है। ये कोई ट्रेंड नहीं है कि अचानक से लय में आ जाएगा, ये बचपन से कहीं ना कहीं मेरे अंदर आस्था है राम जी को लेके। क्योंकि मैं अपने आप को एक सनातनी भारतीय सनातनी मुसलमान कहती हूँ। इसका रीज़न है क्योंकि मैं जहाँ पर मुंबई में रहती हूँ वो पूरा इलाका मतलब हिंदुओं का है,
बचपन से मैं उनके बीच में पली बड़ी हूँ, मैं पैदा हुई हूँ, अजान से पहले मैंने भजन सुना है कहीं ना कहीं, तो उनका प्रभाव मेरे पर बहुत ज़्यादा है। मैं हर एक हिंदू फेस्टिवल में मैंने पार्टिसिपेट किया है। हमारे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो मैं ही नहीं, पूरा मतलब मेरा पूरा फैमिली गणपति बप्पा जी के आने से लेके जाने तक का पूरा सहयोग करते हैं। क्या आपको लगता नहीं क्या आपके धर्म के लोग फतवा जारी करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे, इससे आपको डर नहीं लगता? देखिए, देश संविधान से चलता है, ना कि फतवा से। अगर कोई मौलाना से मुझसे तकलीफ है तो आप 1-to-1 मुझसे बात कीजिए, मैं आपको जवाब देने के लिए बैठी हूँ, तैयार हूँ। लेकिन आप ये कहेंगे कि आप मुझ पर फतवा निकालेंगे, तो आई एम रियली सॉरी कि देश संविधान से चलता है, फतवे से नहीं। आप तो शायद ओबीसी जी को सुनते नहीं, ओबीसी जी हमेशा बोलते हैं कि देश संविधान से चलता है, संविधान से चलता है। मुझे लगा आप उनके फॉलोअर होंगे, तो आप उनसे सीखना चाहिए आपको। यही संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं मंदिर भी जा सकती हूँ, मस्जिद भी जा सकती हूँ, गुरुद्वारे भी जा सकती हूँ, चर्च भी जा सकती हूँ। सनातन धर्म में आस्था कब से रखती है? बचपन से, बताया तो बचपन से। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के कोहराम मिश्र का पूर्वा गांव के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई है। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतक का शव कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल इतना ही। तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।